नमस्कार, वेलकम टू प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन plantonet.com। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप देख सकते हैं कैसे घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम है, रास्ता कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। धुआं धुआं सा हर तरफ है। आज अचानक से ऐसे क्लाइमेट हुआ है। टाइम हो रहा है अभी 4:30। कोहरे के कारण बहुत स्लोली ड्राइव करना पड़ रहा है। देख सकते हैं गाड़ी की बीम, हाई बीम कैसे दिख रही है, दो लाइट बार की तरह। लोग पैदल भी जा रहे हैं तो लाइट ऑन करके मोबाइल में ऐसे करके जा रहे हैं। बहुत अंधेरा है इसके कारण ऐसा करना पड़ रहा है उनको। मैंने फॉग लैंप ऑन किया। चलिए जाके पहुंचते हैं। पाँच बज के 21 हो रहे हैं। देख सकते हैं कैसा घना कोहरा है। मैंने कभी ऐसा क्लाइमेट यहाँ पे देखा नहीं था। चलिए काम शुरू करते हैं। इसको किसी ने खोला है क्योंकि मैं अलग स्टाइल से बांध के जाता हूँ इसको, तो इसके अंदर कोई जा रहा है। एनीवेज ठीक है। अब ये वाला गेट भी खोल देते हैं। खोलेंगे फिर सीधा गाड़ी लाके इसके अंदर पार्क कर देंगे। मैं अभी जो जहाँ पे हमने मोरिंगा लगाया था उस प्लॉट में हूँ। इसके मोरिंगा के जो रूट, उसके पास बहुत सारा पानी है। यहाँ हमने मिट्टी डाल के लगाया था थोड़ा ऊंचा करके, तो मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी डालना पड़ेगा। पता नहीं कब ज़ोरों से बारिश। देखिए जैसा ये वाला है एकदम पानी के अंदर ही है, तो इसमें मिट्टी डालना पड़ेगा। और ये वाला भी एकदम पानी के अंदर, इसका रूट जो है पूरा सबमर्ज्ड है पानी में। वो जहाँ पे एक्सेस पानी हो रहा है रूट्स येलो हो जा रहे हैं। रूट्स एरिएशन, रूट जोन में एरिएशन नहीं हो पा रहा है। कुछ पौधे तो मर जाएंगे।
और हमको नया लगाना पड़ेगा, जैसे ये वाला, पता नहीं जिएगा कि नहीं। बेड बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बना पाए, तो जितना हो सका अभी लगा दिए। धीरे धीरे हम इसको सोचेंगे क्या करना है, प्लान करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। अब बारिश ज़्यादा भी नहीं होने वाली, अभी अभी से बारिश धीरे 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 कम होते चलेगी, लेकिन क्योंकि ये वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है, इसको सहारे की ज़रूरत है। इसको एक स्टिक लगा देंगे इधर। हाँ, तो मैं क्या बोला था कि क्योंकि ये वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है, बहुत साल हो गए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुआ नहीं था इधर, देख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि कितनी ज़ोर से बारिश हुई है। ये जो थे ना अपने प्रो ट्रे से निकले हुए, इसका शेप चेंज हो गया, मतलब ये धुल गया है कैसे करके, मतलब इतनी ज़ोर से बारिश हुई है कि वो मिट्टी धुल के उसका शेप चेंज हो गया है, देख सकते हैं। अभी इसको घेरने के बाद गाय नहीं खा रही है, तो कितनी अच्छी पत्तियां आ रही है। ये था शेप प्रोट्रे से मिट्टी निकलने के बाद, अभी मिट्टी बारिश में धुल गई है, तो इतनी ज़ोर से बारिश हुई है, कहने का मतलब ये है। अरबी प्लांट्स आ रहे हैं, चलिए अभी अपना काम शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन नहीं है लेकिन उसका घर है इधर। और जगह जगह पे देख सकते हैं ऐसे ओस की बूंदें इन मकड़ी के जालों पे हैं। कोई इनको बुनता है। हाँ, मकड़ी है इधर, देख सकते हैं। फ्लैशलाइट ऑन करो। ये भाग गए रे बाबा। तो ऐसे जाल बिछाए हुए हैं ये लोग ताकि इनको खाना मिल जाए, कीड़े मकोड़े आके फंस जाएं और वो इनको खा ले। ये मकड़ी, इन पे ओस की बूंदे ऐसे गिर के कैसा दिख रहा है देखिए। और इन पत्तों पर, कल जो हमने बेल पत्ते का पौधा लगाया था, और देख सकते हैं ये वाला जिसको गाय ने खा लिया था, पूरा गाय बकरियों ने खा लिया था, इस पे हमारे नए पत्ते आ रहे हैं। ये एक नया कुछ आ रहा है इधर, पता नहीं। यहाँ पे एक नीम का पौधा आ रहा है। देख सकते हैं नदी बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, इतना घना कोहरा है। ये जो हमने लास्ट टाइम खोदा था, इसमें पानी जमा हो जा रहा था, ये वाला जो चैनल है, तो वहाँ पे घर के पास ऐसे पानी जमा हुआ करता था। अभी वो पानी यहाँ से देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके बहते हुए इधर आके यहाँ पे है, तो मतलब अपना काम हुआ है। पानी वहाँ से इधर आया है और यहाँ से फिर यहाँ पे जमा हुआ, तो हम इसको धीरे धीरे काट के ऐसे ये साइड में ऐसे ले लेंगे। और ये वाला जो चैनल है इसको क्लीन कर देंगे। कल हमने इस पे, कल जो याद होगा आपको, यहाँ पे हमने
मिट्टी डाला था, इस ड्रेन से उठा के वहाँ पे डाला था, और बारिश के कारण वो कैसे सेट हो गया है। अभी तक कुछ भी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है इधर, जितने भी हम बीज डाले थे यहाँ पे, धीरे धीरे होंगे। ये जो अपने पास है ना, बोरियों में भर दूंगा। ये जो है ट्रेलिस के लिए बताता हूँ, ट्रेलिस वो होता है जिसपे क्रीपर्स हम लोग चढ़ाते हैं। तो ट्रेलिस के लिए मैंने क्या किया था, ऐसे बॉटल्स काट के, जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होते हैं ना, उनको काटने के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया, और उसके मदद से ये ऐसे बॉटल्स को काट के रस्सी बनाया। तो चलिए आज इस रस्सी का काम लगना था, तो चलिए इस रस्सी को आज हम काम में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो अभी दिखेगा आपको। देख सकते हैं थोड़ी सी लापरवाही किया था मैंने, तो इस लापरवाही की वजह से कैसे ये सब गांठ हो गया है, इसमें नॉट्स पड़ गए हैं। खोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन खोल लें। खुल गया चमचम।
पानी के बॉटल से जो मैंने बनाया था वो थोड़े से वीक है, वो टूट जाते हैं, और ऊपर से मैं भी एक्सपर्ट नहीं था इसको बनाने में। तो वो यूज्ड बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और मिनरल वाटर बॉटल्स से मैंने ऐसे यहाँ पे ट्रेलिस सेटअप कर दिया वहाँ तक। तो वो जो हमारे क्रीपर्स हैं देख सकते हैं, ऐसा सेटअप किया है। और हमारा जो क्रीपर है इधर, इसको हम ऐसे लाएंगे और ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे काफी कीचड़ हो रहा है काम।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गार्डनिंग और फार्मिंग रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फार्मिंग और गार्डनिंग में इंटरेस्टेड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे वीडियो शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन प्लांटोनेट.com।